कल जो एक क्वेश्चन दिया था, कितने लोग सॉल्व किए? अच्छा, यार देखो ठीक है, फिर देखते हैं एक बार उसका क्या आंसर आएगा। यहां से देखो, ये हमारा ग्राउंड था, ये वॉल है, यहां पे कुछ इस तरीके का एक ब्लॉक ले लिया था अपन, और ये एंगल कितना था, थीटा के बराबर, और इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ था, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, यही सवाल था। हाँ, तो ये वेज ही तो है। अरे वो उससे थोड़ी कुछ होता है। यहाँ देखो यार, ये स्ट्रिंग तो हॉरिजॉन्टल ही थी ना, रॉड थोड़ी था यार, रॉड फिर स्लाइड कैसे करेगा ये? चलो यार देखो, इधर यहाँ से अपने पास इसका मास हमने ले लिया था कैपिटल एम, और इस वाले का ले लिया था स्मॉल एम के बराबर, ठीक है? हाँ यही है। चलो देखो, अब इसके बाद एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एमपीडी बना लेते हैं। मान लेते हैं ये इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ, इधर की तरफ है स्मॉल ए। और अब एक बात देखो यार, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी अगर किसी ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक अगर स्लाइड कर रहा हो, तो यार अब एक बार सोचो, हमें इसका जो एक्सेलरेशन लेना होगा वो हमें इसके रेस्पेक्ट में ले लेना। उससे थोड़ा फायदा ये होता है कि यार एक बार सोचो, ये हम इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें, कोई इसके ऊपर अगर बैठ करके देखे, तो ये किधर आता हुआ दिखेगा, नीचे की तरफ, हाँ है ना? ये जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है वो किधर आता हुआ देखेगा, नीचे की तरफ इसके रेस्पेक्ट में। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखे तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो ये इसके साथ इधर भी जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में नीचे भी आएगा, यही चीज ध्यान रखना। तो हमें क्या मानना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लो नीचे की तरफ कैपिटल ए, और ये कैपिटल ए किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज के। क्यों मान रहे हैं वो भी एक बार समझ लो। एक बार मान लो इसके रेस्पेक्ट में, अगर मान लो मैं लिखता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, वो किस क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये चीज पता है सभी को, हाँ या नहीं ये बताओ? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगर लिखो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये दोनों का वेक्टर सम होगा। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में इधर की तरफ कैपिटल ए है, और वेज का एक्सेलरेशन इधर की तरफ स्मॉल ए है। तो ये हमें नहीं पता कि कितने एंगल पे ये आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितने एंगल पे आएगा वो हमें नहीं पता। इसीलिए बेहतर ये होता है कि आप इसके रेस्पेक्ट में माना करो। जब भी अगर इस तरीके का केस आए कि एक ब्लॉक के ऊपर या वेज के ऊपर दूसरा ब्लॉक स्लाइड करे, तो उस केस में हमें क्या मानना है कि इस वेज के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन मान लिया करो, क्योंकि ये हमें पता है, फिक्स है कि हाँ यार इसके रेस्पेक्ट में तो ये नीचे ही आएगा। अगर आपने ये इधर की तरफ माना तो ये नीचे ही आएगा, ठीक है? चलो यार, अब देखते हैं, अब इसके पास एफबीडी देखते हैं हम लोग। अगर इसका एफबीडी बनाए तो इसके ऊपर एक टेंशन टी इधर की तरफ लगेगा, एक इधर की तरफ कौन सा फोर्स, एम जी साइन थीटा के बराबर, और कौन सा फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, नॉर्मल, नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स कौन सा, एम जी कॉस थीटा, और एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, हाँ या ना ये बताओ? इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा। ये एंगल अगर हम देखें, ये वाला एंगल भी किसके बराबर होता है, थीटा, और ये वाला एंगल भी थीटा होता है, ठीक है भाई? अगर वेज का एफबीडी बनाए हम लोग, तो वेज के ऊपर देखो यहां से, एक तो इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, जो नॉर्मल इसके ऊपर ये लगाएगा वही नॉर्मल इसके ऊपर लगेगा, और यहां से देखिए तो जो पुली इसी से कनेक्टेड है, तो पुली के ऊपर जो भी स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा वो सारा फोर्स इसके ऊपर भी माना जाएगा। तो अब एक बार देखो, एक टेंशन इधर की तरफ टी लगेगा और एक टेंशन इधर की तरफ टी लगेगा, और ये एंगल किसके बराबर, थीटा के बराबर। एफबीडी कितने लोगों का सही है ये बताओगे? यहाँ पे गलती होने के चांसेस थे, बाकी तो सारा सभी का सही होगा। कितने लोगों का सही है एफबीडी?
परपेंडिकुलर सरफेस की वीडियो कौन सी भाई? अच्छा प्रीवियस लेक्चर बोल दूंगा मैं कपिल सर को। चलो एक बात बताओ, कितने लोगों का सही है ये बताओ, एफबीडी पूरा पूरा। अब एक बात देखो, ये किधर की तरफ जा रहा है? इधर की तरफ, स्मॉल एसी, कोई और फोर्स तो छूटा तो है नहीं। एमजी नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर, इस डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो यार अब इसका अगर इक्वेशन लिखे हम लोग तो पहले क्या लिखेंगे? तो यहां से देखो, टी इधर की तरफ और इधर जो कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा टी कॉस थीटा और नीचे की तरफ आएगा टी साइन थीटा के बराबर। हमें वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं। तो यहां से देखो, इस नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, ये एंगल थीटा, तो ये भी किसके बराबर? थीटा के बराबर। ठीक है भाई, एक्स डायरेक्शन में इसका मोशन लिखेंगे। तो चलो यार देखते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में इसका मोशन कौन सा? एन कॉस थीटा, सॉरी ये इधर की तरफ है ना, एन साइन थीटा आएगा। ये कौन सा आएगा? एन साइन थीटा, और ये टी भी इसी के डायरेक्शन में, तो प्लस टी माइनस ऑफ टी कॉस थीटा इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए के बराबर। ये हमारा इक्वेशन वन। क्लियर यहां तक सभी को? हाँ, है ना? ये बताओ यहां तक क्लियर? बेटा देखो, ऐसे जितने भी सवाल हैं कोई टफ नहीं होता है, बस ये हमें करना रहता है कि ढंग से इक्वेशन लिखने आना चाहिए। एफबीडी बनाओ, ढंग से इक्वेशन लिखो, सवाल हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन इधर की तरफ, तो एन का एक कंपोनेंट इधर, एन साइन थीटा इधर की तरफ, टी इधर की तरफ और टी कॉस थीटा पीछे की तरफ। तो क्या लिखा मैंने? एन साइन थीटा प्लस टी माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू एम इन टू ए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, है ना? अब इस ब्लॉक का हम जो मोशन देख रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? वेज के रेस्पेक्ट में। इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ, तो एक एक्सेलरेशन इधर, एक इक्वेशन इधर लिखेंगे और एक इसके परपेंडिकुलर। तो बस कंपोनेंट करते जाओ, इक्वेशन लिखते जाएंगे। ये हमें इधर जाता हुआ दिखेगा, तो चलो यार भाई, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, तो स्मॉल एम जी साइन थीटा यही आएगा। फिर से नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, लेकिन एम का एक कंपोनेंट जरूर आएगा, एम इंटू ए का। ये एंगल भी थीटा होगा, तो क्या आएगा? तो प्लस एम इंटू ए कॉस थीटा। देखना यहाँ पे अगर कुछ गलती हो तो बता देना। यहाँ से ये थीटा, ये भी किसके बराबर? थीटा। एम ए का इधर कंपोनेंट, एम ए कॉस थीटा, और इसके ऊपर टी ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी माइनस टी इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल ए। क्या सेकेंड इक्वेशन सभी को क्लियर हो गया? हाँ, या ना? फटाफट बोलो। इसके ऊपर बैठ करके देख रहे हैं, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दिखेगा एम जी साइन थीटा, ऊपर टी एम ए का एक कंपोनेंट और कोई फोर्स ही नहीं। एक हमें देखना है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एन की जगह एम जी कॉस थीटा नहीं आएगा, एन की जगह पे एम जी कॉस थीटा। बेटा एम जी कॉस थीटा एन मैंने कहाँ लिया यार, चलो कहाँ कंफ्यूज हो जाते हो भाई। चलो अभी इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें, इस वाले डायरेक्शन में, तो अब एक बात देखो, इस डायरेक्शन में हमें कोई मोशन नहीं दिख रहा, कोई मोशन नहीं दिख रहा, यानी नेट फोर्स जीरो। ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल लग रहा है कैपिटल एन, ठीक है। एम ए का उधर कंपोनेंट, तो प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? तो एम जी कॉस थीटा के बराबर। एम ए साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर? एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर थ्री। अब एक बार देखना कितने वेरिएबल है, जरा काउंट करो एक बार, कितने वेरिएबल? चार, एक तो एन, एक टी, एक स्मॉल ए और दूसरा कैपिटल है, ठीक है भाई। यानी एक इक्वेशन और की जरूरत है, वो कहाँ से आएगा? कंस्ट्रेंट से। तो चलो यार देखते हैं, अब एक बार देखो यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ, तो टेंशन कितना? तो टी माइनस टी कॉस थीटा इंटू स्मॉल ए। हाँ, है ना? ये बताओ, टी इधर की तरफ, टी कॉस थीटा पीछे, एक्सेलरेशन इधर, टी माइनस टी कॉस थीटा इंटू ए। क्लियर यहां तक? जब भी अगर एक ऑब्जेक्ट के पास दो तीन एक्सेलरेशन हो या दो तीन टेंशन फोर्स लग रहे हो, अपने को क्या करना है,
या तो टेंशन के अलोंग अपना सारा कंपोनेंट निकाल लो एक्सेलरेशन का, या एक्सेलरेशन के अलोंग सारे टेंशन का कंपोनेंट निकाल लो, बस यही कर ले। तो टी इधर की तरफ, टी कॉस थीटा पीछे, एक्सेलरेशन इधर, टी माइनस टी कॉस थीटा इंटू स्मॉल ए, क्लियर। अब एक बार देखो इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं, तो टेंशन ऊपर, अब टेंशन ऊपर लग रहा है लेकिन इसके पास दो एक्सेलरेशन। यार ये वर्क डन हम किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये इसके ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और इसके पास दो एक्सेलरेशन है, ध्यान से देखना यहाँ पे, इसके पास एक्चुअल एक्सेलरेशन दो है, एक तो टेंशन इधर की तरफ लग रहा है, ये कैपिटल ए इधर की तरफ, और एक ये जो है इस ब्लॉक के साथ, सॉरी वेज के साथ इधर भी जाएगा, हाँ है ना। तो ये थीटा है, यानी ये भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर, क्या बोलते हो, सही है। तो देखो अब क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर निकाल लो, तो इधर वाला कंपोनेंट जाएगा इसमें, तो कोई वर्क डन का कोई हाथ नहीं होगा टेंशन के कारण, बचा कौन सा, तो टी ऊपर की तरफ इनटू कितना, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ए नीचे की तरफ माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, यहां पे बताओ, ये समझ आया तो बस सवाल खत्म। टी ऊपर, यार एक बार सोचो, इसके लिए इस वाले के लिए लिखते क्या लिखते, माइनस ऑफ टी इंटू कैपिटल ए, इन दोनों के लिए लिखते तो क्या लिखते, माइनस ऑफ टी इंटू ए, हाँ है ना। इसके लिए लिखते तो क्या लिखते, तो प्लस टी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यही लिखते ना, दोनों एक साथ मैंने एक एक ही बार लिख दिया बस, अब क्लियर, हाँ है ना, क्या अब क्लियर हो गया। सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन रिपीट करना, चलो एक बार देखो, पहले ये वाला देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टेंशन टी इधर की तरफ, टी कॉस थीटा इधर, टी माइनस टी कॉस थीटा इंटू स्मॉल ए लिख दो। दूसरा यहां से टी ऊपर कैपिटल ए नीचे, तो माइनस ऑफ टी इंटू ए, और इसके लिए क्या लिखते हैं, टी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, बस वो लिख दिया यहाँ से। तो फाइनली एक बार देखो, यहाँ से रिलेशन जो आएगा वो टी इंटू स्मॉल ए, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल आउट होगा, इक्वल्स टू टी इंटू कैपिटल ए, यानी स्मॉल ए इक्वल्स टू कैपिटल ए, फोर्थ इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिक्कत है, देखो यार, एम जी साइन थीटा पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी इधर ही दिख रहा है, टी ऊपर की तरफ, एम ए का एक कंपोनेंट इधर, ये थीटा है तो ये भी कितना थीटा, तो एम ए कॉस थीटा नीचे की तरफ, बस और कोई फोर्स नहीं है, मास इंटू कैपिटल ए लिख लिया। चार इक्वेशन चार वेरिएबल, क्या सॉल्व हो जाएगा, चार इक्वेशन चार वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, हाँ सूडो फोर्स ही तो है, स्मॉल एम इंटू जो ए लगा हुआ है वो सूडो फोर्स, क्योंकि हमने ये जो एक्सेलरेशन माना है वो इसके रेस्पेक्ट में माना है, क्लियर हो गया ये चीज, हाँ है ना, फटाफट बोलो, हो जाएगा अभी ये, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं है। हाँ ये रहता है कि अब अगर एक बात देखो कि जैसे मान लो जो क्वेश्चन आएगा उसमें वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा तो सिंपल इक्वेशन दिखेगा आपको कि 2 + 3 cos थीटा, थीटा की भी वैल्यू दी रहेगी, तो आपको प्रॉपर एक इक्वेशन आएगा, मैंने वेरिएबल के टर्म्स में लिया हुआ है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया सभी को, हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर सभी को, क्या हुआ बेटा श्रुति, एफबीडी में क्या दिक्कत आ गई, एफबीडी में मैं मतलब यहाँ से तो बस नीचे ऊपर नॉर्मल लगा, ऊपर टेंशन, नीचे एम जी साइन थीटा, सूडो फोर्स एम जी कॉस थीटा, क्लियर है। इसमें कौन सा लगेगा, टेंशन इधर, टी इधर, एक नॉर्मल इधर, वर्टिकल में मैंने नहीं बनाया क्योंकि कोई मोशन है नहीं बिना, मतलब बना करके फोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम होता, और नहीं नहीं बेटा ये सॉल्व तो मैं करूंगा ही नहीं, घर खुद से करो। चलो अगला सवाल देखो यार, एक बार देखो यार, इसमें सॉल्व करने में क्या है, जहां जहां स्मॉल ए है वहां वहां कैपिटल ए पुट कर दो, एक बार देखो मैं बता देता हूँ, जहां जहां स्मॉल ए है क्या वहां वहां कैपिटल ए पुट कर सकते हैं। तो देखो यार ये सारे में यहाँ पे स्मॉल ए पुट तो है ही, यहाँ पे स्मॉल ए पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्लस टी कॉस थीटा की बात है ना, यहाँ से तो ये प्लस टी, ये माइनस टी कैंसिल आउट ही होगा, उसमें आएगा टी कॉस थीटा, लेकिन अपने को ऐसा चाहिए कि एक वेरिएबल वाला, एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, तो उसका आंसर आएगा। तो देखो यार क्या करते हैं, काम करते हैं, इसमें टी कॉस थीटा यहाँ पे है, तो एक चीज ऐसे देखो, एन की वैल्यू यहां से उठा के क्या हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हाँ या ना, एन की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो और टी की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दो, सीधा डायरेक्ट इस स्मॉल ए आ जाएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, तरीका मैंने बता दिया, चार इक्वेशन है, चार इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे,
स्मॉल ए को कैपिटल ए पुट करना है, दूसरी चीज एन की वैल्यू उठा के यहां से यहां पे पुट कर दो, और दूसरा टी की वैल्यू उठा के यहां से यहां पुट कर दो। कुछ करने की जरूरत नहीं, ना तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इसके क्वेश्चन बुकलेट में नहीं है क्या? है बेटा, किसी ने कल मैसेज भी किया था, बुकलेट में है। आप एडवांस वाले पार्ट में चले जाना, कंस्टेंट से रिलेटेड सवाल वहां पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है? अब हो जाएगा सॉल्व। एक सवाल और दे दूं, घर पे ट्राई कर लेना। एक सवाल और ऐसा ही दे दूं क्या? अब बेटा लेकिन वो बताऊंगा नहीं, मैं ट्राई कर लेना, ठीक है? सॉल्यूशन ज्यादा हुआ तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, क्योंकि फिर उसमें लगेगा 10-15 मिनट टाइम। चले यार, कहां से देखते हैं। ये एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये पहले ग्राउंड बना लो। सवाल अच्छा है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ऐसा मत सोचना कि ऐसे सवाल नीट में आते, नहीं करने की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ सवाल कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस उसके लिए दे रहा हूँ मैं, ताकि कैसा भी सवाल आए हो ही जाए अपना। सवाल देखने में थोड़ा सा डरावना भी लगेगा, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम। चले यार, सवाल समझ आ गया हो तो बोलो यार हाँ या ना। सवाल समझ आ गया, ये पूरा सिस्टम फ्री है मूव करने के लिए भाई, ठीक है? पूरा सिस्टम फ्री है मूव करने के लिए। स्मॉल एम कैपिटल एम, ये नीचे जाएगा तो ये इधर की तरफ आएगा, बस होगा यही चीज, ठीक है भाई? सवाल फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं, आज खत्म करके रिक्शन भी शुरू करना है। फटाफट देखो जल्दी से, लिख लिया सभी ने? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। ध्यान से देखना थोड़ा स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ठीक है? इसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि जब स्प्रिंग है स्प्रिंग को कट करेगी। अब एक बात देखो यार, स्प्रिंग सभी ने देख रखा होगा, स्प्रिंग तो सभी ने देख रखा होगा ना, ये कुछ इस तरीके का स्प्रिंग रहता है अपना, ठीक है? एक होती है इसकी नेचुरल लेंथ। अब एक बात देखो, सबसे पहले होता क्या है कि जैसे मान लो हर एक बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हर एक बॉडी के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी बॉडी का शेप चेंज करोगे तो वो फिर से अपना शेप रीगेन करना चाहता है, ठीक से? थोड़ा ध्यान से सुन लेना इसको। जैसे मान लो अगर अपने ये इसी हाथ के ऊपर में फोर्स लगाओ, यहां से अगर जैसे इसको एक डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब कि एक ऐसा फोर्स जो कि इसका शेप चेंज करना चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट का, जैसे इसके ऊपर मैं फोर्स एग्जर्ट करूं, जैसे ही छोड़ता हूं ये अपना क्या होता है, ये फिर से अपना शेप रिगेन कर लेता है। या ऐसे एक बार देखो, जैसे मान लो अगर एक बलून हो गया या रबर बॉल मान लो, जैसे ही अगर आप इधर से फोर्स एग्जर्ट करते हो तो ये क्या करता है, ये अपना शेप थोड़ी देर के लिए चेंज करेगा, जैसे ही ये फोर्स हटाते हो ये अपना शेप रिगेन कर लेता है, हाँ है ना? ये क्या होता है, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है हर एक मटेरियल के अंदर, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा। तो स्प्रिंग भी जो होता है एक इलास्टिक मटेरियल का ही बना होता है, ठीक है? स्प्रिंग भी क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल का ही बना होता है। तो जब भी आप इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करोगे, यानी एक तरह से वो डिफॉर्मिंग फोर्स ही होता है, तो उस केस में ये इसका शेप चेंज होता है, इनका इसका जो भी कॉन्फिगरेशन है वो क्या होता है, चेंज होता है। अब दो चीजें हो सकती है यहाँ पे, या तो हम क्या करें कि इस स्प्रिंग के केस में, वैसा तो है नहीं कि स्प्रिंग को लेके तोड़ मोड़ कर दो, हमें स्प्रिंग के साथ क्या करना है, तो इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करके या तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर देनी है, या तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर देनी है, या अगर जैसे ही हम इधर की तरफ फोर्स लगाए तो ये इसका क्या होगा, अपने पास जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाओगे ये इसका शेप चेंज करेगा, इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा। या जैसे मान लो अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए, इधर की तरफ फोर्स लगाए, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, इस केस में भी इसका शेप चेंज होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये जो शेप जो चेंज हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एलोंगेटेड स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, एलोंगेटेड स्प्रिंग। और ये जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड स्प्रिंग। इधर की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये कौन सा होता है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग।
और ये जो स्प्रिंग होता है, जब उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आता है, यानी उसकी बेसिकली हम लोग लेंथ की ही बात करते हैं, उसके लेंथ में अगर कोई चेंज नहीं आता है तो उस स्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो स्प्रिंग जो है अभी नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन में। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब एक बात देखो, जैसे ही किसी भी इलास्टिक मटेरियल के ऊपर आप एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब ही होता है कि उस शेप का, उसका शेप या साइज जो है वो चेंज करने की कोशिश करें। तो जैसे ही आप एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। इसके अंदर क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या चाहता है कि फिर से अपना शेप रीगेन करना चाहता है। जिस बॉडी के अंदर जितना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो बॉडी उतना ही ज्यादा अपना शेप रीगेन करेगी। ठीक है, तो ये जैसे ही अगर आपने इसके इसको खींचा, इसके ऊपर एक फोर्स लगा करके, तो इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है और रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा वो इसको फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाएगा। जैसे आप अगर सपोज इधर की तरफ खींच लाए तो ये अपना शेप रिगेन करने के लिए किधर फोर्स लगाएगा? पीछे के डायरेक्शन। ठीक है, ये इसी को हम क्या बोलेंगे? स्प्रिंग फोर्स। अगर आपने इसको कंप्रेस किया तो फिर से अपना ओरिजिनल शेप रिगेन करने के लिए ये किसकी तरफ फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ। ये हमारा क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स। यानी इस केस में स्प्रिंग फोर्स इधर और इस वाले केस में स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इसकी तरफ। एक और लॉजिक सुनो इसका, एक तो रीस्टोरिंग फोर्स वाला हो गया। दूसरी चीज कि जैसे ही मान लो हम इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो जैसे ही फोर्स एग्जर्ट करके इसको डिस्प्लेस किया या फिर इसको डिफॉर्म करते हैं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। थोड़ा बहुत यार ड्रॉप किया आप लोग तो, अगर ये थोड़ा बहुत वर्क के बारे में तो पता ही होगा, अगर आपने ड्रॉप कर लिया तो वर्क के बारे में तो पढ़ा ही होगा 2 साल। तो इसीलिए ये लॉजिक भी यहाँ सुन लो कि जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, हाँ या ना? ये बताओ, जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, चाहे तो आप इधर की तरफ या इधर की तरफ फोर्स लगाते हो, वर्क किया आपने, और जो भी वर्क करते हैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, हाँ या ना? अब एक बात सुनो कि हर एक मटेरियल जो है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का स्टेट गेन करना चाहता है, वही स्टेबल माना जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर अपने पास अगर देखे, जैसे हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो हमें जब भी बोला जाए कोई भी काम करने के लिए फटाफट कर देते, लेकिन जैसे ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी या जो भी एनर्जी हमारे अंदर स्टोर है अगर वो खत्म हो जाएगी तो हमें ये बोला जाए कि छोटा सा भी काम हम नहीं कर पाते, यानी हम क्या हो गए? स्टेबल हो गए, कि एक ही जगह पर रह जाएंगे। यही चीज ये होता है कि हर एक इसके ऊपर हमने वर्क किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की, इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी, लेकिन ये क्या चाहता है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का स्टेट गेन करना चाहता है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो स्टेट होता है वो कौन सा होता है? नेचुरल लेंथ होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है और तब ये इसको पीछे की तरफ लाता है ओरिजिनल पोजिशन की तरफ, और ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगा के इधर लाता है। कितना बड़ा मैसेज लिख दिया भाई सर, अगर हम कंप्रेस या एलोंगेट इक्वल लेंथ का करें तो रीस्टोरिंग फोर्स दोनों में इक्वल होगा? हाँ भाई, दोनों में इक्वल होगा, दोनों में इक्वल होगा। ठीक है भाई, दोनों लॉजिक समझ आ गया कि एक तो इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है उसके कारण ये फिर से अपना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, दूसरा ये वर्क वाला एनर्जी वाला। ठीक है, अब एक बात देखो, ये जो स्प्रिंग हमें पढ़ना है, ठीक है, जो भी इलास्टिक मटेरियल होता है तो वो एक लिमिट तक ही अपना शेप रिगेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी खींच के छोड़ दो फिर से अपना शेप रिगेन कर लो, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही अपना शेप रिगेन करते हैं, और वो हमारा लिमिट क्या कहलाएगा? इलास्टिक लिमिट। और उस इलास्टिक लिमिट के अंदर ये सारे मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, कौन सा लॉ? हुक्स लॉ को फॉलो करेंगे। ये हुक्स लॉ ने क्या बताया था कि जितना आप फोर्स लगाओगे, जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा इसका शेप जो होगा वो डिफॉर्म होगा, यानी जितना एक तरह से स्ट्रेस, अगर सही तरीके से देखा जाए तो हुक ने क्या बताया था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? जो कॉन्फिग्रेशन में जो चेंज होता है। स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है भाई, यानी जितना एक बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे इसके ऊपर उतना ही ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जो भी हमें स्प्रिंग पढ़ना है वो किसके लिमिट के अंदर? ये हुक्स लॉ फॉलो करेगा, यानी आप जितना ज्यादा एलोंगेट कर दोगे स्प्रिंग का यही नेचर होगा कि वो अपना शेप फिर से पूरा पूरा रिगेन करे। ठीक है भाई, देखा होगा आपने, जैसे मान लो स्प्रिंग को अपने ज्यादा खींच दिया तो वो शेप रिगेन नहीं करता है, तो वो उसकी इलास्टिक लिमिट के बाहर चला जाता है। लेकिन हमें पूरे थ्रू आउट 2 साल में जो भी चैप्टर पढ़ने हैं,
इसमें जहां भी स्प्रिंग आएगा हर एक केस में हमें यही मानना है कि वो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। कितना भी डिफॉर्मेशन ला दो वो फिर से अपना शेप रिगेन कर लेगा, ठीक है। चाहे आप 2 सेंटीमीटर, 4, 10, 15 जितना भी दिया हो, फिर से वो अपना पूरा कंप्लीटली शेप रिगेन करेगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलो अब एक और बात देखो, ये जो एलोंगेशन या जो भी डिफॉर्मेशन आप लाते हो उस केस में स्प्रिंग हर एक दोनों एंड पे इक्वल फोर्स एग्जर्ट करता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर स्प्रिंग फोर्स इस वाले पॉइंट पे एफ एस लगा रहा है तो इस वाले पॉइंट पे भी वो कितना एग्जर्ट करेगा, एफ एस स्प्रिंग फोर्स ही एग्जर्ट करेगा। इस वाले पॉइंट पे अगर देखिए तो इधर की तरफ एफ एस यानी स्प्रिंग फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो इस केस में इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और कितना, एफ एस के बराबर ही। तो एक पॉइंट ये लिख लेना आप लोग कि स्प्रिंग जो है वो हमेशा दोनों एंड पे इक्वल फोर्स एग्जर्ट करता है, ये वाला एंड हो या फिर ये वाला एंड, दोनों एंड पे हमेशा, चाहे वो फिक्स्ड हो या नहीं हो, दोनों केस में हमेशा इक्वल फोर्स लगाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए अब एक बात देखिए, ये जो स्प्रिंग फोर्स देखा हमने वो होता है प्रोपोर्शनल टू एक्स। जरा पहले ध्यान से सुनना, ये मॉड ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूँ कि जो स्प्रिंग फोर्स का जो मॉड होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, जो कि यहाँ पे एक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन। हम इसमें कोई भी भेदभाव नहीं रखते कि ये एलोंगेशन के केस में कुछ और होगा और कंप्रेशन के केस में कुछ और होगा। एक्स जो है वो हमारा एलोंगेशन है या फिर एक्स ये कंप्रेशन है, क्या एफ एस की डायरेक्शन। एक बात देखो, ये जैसे इस पॉइंट पे आपने फोर्स लगा करके इधर खींचा, जैसे ही फोर्स लगा करके इधर खींचोगे तो आप क्या कर रहे हो, इस पे इधर की तरफ एलोंगेशन लाए, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे इस पे इधर की तरफ। यहां से देखिए तो ये जो स्प्रिंग को जैसे ही आप कंप्रेस करोगे तो ये क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है, तो ये इधर की तरफ और इस पे इधर की तरफ। क्लियर हो गया? अब एक बार देखो, एफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्स के। जितना ज्यादा एलोंगेशन या कंप्रेशन उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स होगा। अब एक बात देखो, अगर हम इक्विलिब्रियम में रख के ले धीरे धीरे अगर इसको एक्सेलरेट करा रहे, सॉरी इक्विलिब्रियम में रखते हुए अगर इसको ले जाना है तो उतना ही होगा, डेवलप होगा, ठीक है। जितना धीरे धीरे ले जाओगे उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता जाएगा। बाकी वैसे मासलेस है तो मासलेस के केस में नेट फोर्स जीरो ही हो जाएगा, तो उस केस में हमेशा ही रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो इसके बराबर ही होता है, ठीक है। चलो अब एक बार देखो, यहां से अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो एफ वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ कि प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स वेक्टर। वेक्टर साइन के साथ लिख रहे हैं, यानी ये क्या बता रहा है कि यहाँ एलोंगेशन इधर की तरफ है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ एक्स का डायरेक्शन ये है तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है भाई। ये जो एफ आता है वो किसके बराबर आता है, एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे क्या आएगा, माइनस ऑफ के इंटू एक्स वेक्टर, ठीक है भाई। ये जो के आता है ये के किसके बराबर क्या कहलाता है, या तो फोर्स कांस्टेंट बोल दो या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है, तो दोनों ही आप ध्यान रखना, के क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट। अब एक बात देखो, के की जो एसआई यूनिट अगर देखे तो के इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एक तरह से एफ बाई एक्स, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, एफ अपॉन कितना एक्स, तो इसका एसआई यूनिट भी उसके बराबर, न्यूटन पर मीटर के बराबर, डायमेंशन वगैरह तो सब लिख ही सकते हो। डायमेंशन अगर लिखे के का डायमेंशन, ठीक है, तो के का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू अपॉन कितना एल, ये किसके बराबर आ जाएगा, एम टी माइनस टू के। क्लियर यहाँ तक सभी को, फटाफट बोलो हाँ है ना, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? चलो अब एक बार देखते हैं थोड़ा सा, ये फोर्स और एक्स का ग्राफ अगर बना ले अगर हम लोग एफ और एक्स का, तो एफ और एक्स की ग्राफ के बारे में देखें तो ये मान लो फोर्स हो गया, ये एक्स हो गया, एफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ के एक्स, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है, ये के जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट होता है। एक और बात ध्यान रखो, यहाँ पे के जो होता है वो डिपेंड करता है, ये के जो है वो डिपेंड करेगा स्प्रिंग के शेप पे, उसके साइज पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे, किस तरह का मटेरियल लिया है उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। के की जो वैल्यू है शेप साइज और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ स्प्रिंग की। के
के जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग के, यानी के और एल का ग्राफ अगर बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यानी जितना छोटा स्प्रिंग उसका के उतना ही ज्यादा, क्लियर? जितना छोटा स्प्रिंग उसका के की वैल्यू उतना ही ज्यादा, के जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल के, क्लियर यहां तक सभी को? हाँ, है ना। चलो यार, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, एक तो आता है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या आएगा? इस केस में जो होता है स्प्रिंग के अंदर जितने भी सारे स्प्रिंग कनेक्टेड रहेंगे सबके अंदर क्या होगा, टेंशन की वैल्यू सेम होगी। सबके अंदर टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम। यानी स्प्रिंग फोर्स हर एक केस में सेम होगा। जैसे मान लो हमने लिया यहाँ पे दो स्प्रिंग, एक ये ले लिया और एक दूसरा ये ले लिया। एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल है, ये कितना हो गया के वन, ये कितना हो गया के टू के बराबर। अब एक बार सोचो, ये नीचे स्मॉल है, मास हैंग कर रहा है, नीचे एम जी लगेगा, ये मासलेस स्प्रिंग है, तो यहाँ भी एम जी, यहाँ भी एम जी और यहाँ भी एम जी। स्प्रिंग वाले केस में मैंने बताया था कि अगर मान लो मास अगर ऐड नहीं हो रहा है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम। हाँ, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस केस में क्या होगा, फोर्स या फिर ऐसे लिख लो टेंशन विल बी सेम, एफ जो होगा वो सेम होगा सारे स्प्रिंग में। ठीक है भाई, अब एक बात देख, मान लेते हैं अगर इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हैं, यानी एक ऐसा स्प्रिंग जो कि इस अकेले के बराबर काम करे, इस अकेले के बराबर काम करे, उसको हम लोग लिख लेते हैं कितना, के इक्विवेलेंट। अब एक बात देख, के इक्विवेलेंट की जब बात करेंगे, इसका के वन, इसका के टू, उसका के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैसे आएगा कि अगर मान लो ये एलोंगेशन इसमें एक्स वन आया और इसमें एलोंगेशन एक्स टू आया, तो इसमें एलोंगेशन कितना आना चाहिए, एक्स वन प्लस एक्स टू के बराबर। हाँ, है ना। इसमें एक्स वन आया, इसमें एक्स टू आया, तो उसमें कितना आना चाहिए, एक्स वन प्लस एक्स टू, तभी इक्विवेलेंट स्प्रिंग होगा। तो चलो यार, अब इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस केस में हम लोग लिखेंगे के वन एक्स वन इक्वल्स टू के टू एक्स टू। हाँ कि ना। और ये किसके बराबर, एम जी के बराबर, क्लियर। के वन एक्स वन इक्वल्स टू के टू एक्स टू इक्वल्स टू एम जी के बराबर, यही लिखेंगे यार, दोनों में टेंशन सेम, तो दोनों किसके बराबर, एम जी के बराबर। तो के वन एक्स वन इक्वल्स टू के टू एक्स टू इक्वल्स टू एम जी, और ये किसके बराबर, तो के इक्विवेलेंट इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू के बराबर, यही आएगा। हाँ, या ना, ये बताऊंगी, के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू किसके बराबर, एक्स वन प्लस के वन एक्स वन इक्वल्स टू के टू एक्स टू इक्वल्स टू दिस वन। यार ये जितना फोर्स उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, ये भी एम मास को बैलेंस कर रहा है, ये भी एम मास को बैलेंस कर रहा है। तो अब यहां से अगर देखें, ठीक है, तो एम जी इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू के। ठीक है, यहां से हम अगर बात करें एम जी बाई के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो एक्स वन इक्वल्स टू क्या एम जी बाई के वन, एक्स वन इक्वल्स टू एम जी बाई के वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू एम जी बाई के टू के। यानी ये किसके बराबर आएगा, वन बाई के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू के बराबर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ, है ना, फटाफट बोलो क्लियर हुआ ये चीज, बट आसान आसान कॉन्सेप्ट है इसीलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं अपन। यहाँ से देखो नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें, इस वाले केस में क्या होना चाहिए, एलोंगेशन या कंप्रेशन सेम होना चाहिए। जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिया रहे उस केस में अगर एलोंगेशन या कंप्रेशन अगर सेम है तो वो किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है भाई, नहीं, लिखने के लिए तो जरूरत ही नहीं बेटा, यहाँ पे वो वीडियो जाएगा उस समय लिखते जाना। चलो देखो, यहाँ पे ये अपने पास एक स्प्रिंग हमने ऐसा लिया, दूसरा स्प्रिंग हमने ले लिया ये वाला, यहाँ से एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम, ये के वन, ये कितना के टू। ठीक है, अगर ये स्प्रिंग सॉरी ब्लॉक नीचे जाएगा तो क्या दोनों में सेम एलोंगेशन, हाँ है ना। ये अगर नीचे स्प्रिंग एक्स गया तो ये भी कितना जाएगा, एक्स। अब अगर इसका इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो ये कैसा स्प्रिंग सिंगल होना चाहिए जो कि वो भी एम मास हैंग करने के कितना नीचे जाए, एक्स के बराबर। अब एक बार सोचो यहाँ पे कि
कि ये इसके ऊपर कितना लगाएगा, के वन इंटू एक्स, ये इसके ऊपर के टू इंटू एक्स, और हम क्या लिखेंगे, दोनों मिल करके एम जी को बैलेंस करेंगे, हाँ कि ना। के वन एक्स प्लस के टू एक्स इक्वल्स टू एम जी के बराबर, और यहां से क्या आएगा, तो इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट इंटू एक्स के बराबर यही आएगा। यहां से अगर हम लोग देखें, तो यहां से अगर दोनों ये सारे एक्स अगर काट दोगे तो किसके बराबर आएगा, तो के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के वन प्लस के टू, क्लियर, हाँ है ना। के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू किसके बराबर, के वन प्लस के टू। अब आओ एक बार देखते हैं, अपने पास जैसे ही स्ट्रिंग और स्प्रिंग को काट देते हैं तो उस केस में किस तरह से चेंज आता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन दिया हुआ रहेगा, अगर स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को काटते हैं तो जस्ट आफ्टर कट हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है भाई। जैसे मान लो अगर हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, ये एक ऐसा ब्लॉक ले लिया, और यहाँ एक स्प्रिंग ले लिया, मान लो इसको 3 kg ले लिए, इस वाले मास को 2 kg, ठीक है। दो लाइन का कॉन्सेप्ट है, ढंग से एक बार देख लोगे हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो ये हमें ये दिया हुआ रहेगा, इस तरह का जो भी सिस्टम आएगा वो ये दिया रहेगा कि पहले ये इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, पूरा ये सिस्टम किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। जस्ट या तो हम स्ट्रिंग को काट देंगे या फिर स्प्रिंग को काट देंगे, ठीक है। अब उसके जस्ट आफ्टर कट जो है ना, हमें सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा जाए, जस्ट आफ्टर कट हमें सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। तो अभी एक बात देखिए, मान लो अगर हमने स्प्रिंग को कट नहीं किया, ठीक है, एक बात ऐसे देखो, अगर मान लो हमने स्ट्रिंग को कट किया, अगर स्प्रिंग को कट नहीं कर रहे हैं तो इसमें टेंशन जो होता है जस्ट आफ्टर कट चेंज नहीं होता है, सुनना इस बात को। अगर स्प्रिंग को है वो, अगर हमने कट नहीं किया, स्प्रिंग अगर कट नहीं हुआ है तो टेंशन जो होगा यानी जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो सेम रह जाएगा, क्या ये चीज क्लियर हुआ। स्प्रिंग को अगर हमने कट नहीं किया है तो जो स्प्रिंग का जो टेंशन होगा या स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो सडनली चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होता है। तो अब एक बात देखो, क्या इस स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने के लिए इसकी लेंथ चेंज होनी चाहिए, हाँ या नहीं। क्या इस स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने के लिए इसकी लेंथ चेंज होनी चाहिए, और एक बात देखो, जस्ट आफ्टर कट सडनली लेंथ चेंज नहीं होता है। जस्ट आफ्टर कट, मान लो मैंने स्प्रिंग को कट कर दिया, स्प्रिंग को कट किया तो जस्ट आफ्टर कट जो है वो स्प्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती है, इसीलिए स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता है। तो ये क्या होगा कि ये क्यों नहीं चेंज होता है, बिकॉज ये लिख लेना यार, स्टेटमेंट लिख लेना आप लोग, ये कि टू चेंज द स्प्रिंग फोर्स द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग शुड चेंज एंड जस्ट आफ्टर कट स्प्रिंग विल लेंथ ऑफ स्प्रिंग विल नॉट चेंज, ये लिख लेना आप लोग एक लाइन, क्योंकि रीजन यहाँ पे नॉर्मली ये बुक में लिखा नहीं रहता है, तो ये बता दे रहा हूँ मैं कि ये स्प्रिंग फोर्स जो है चेंज होने के लिए इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, और ये इसकी लेंथ सडनली जस्ट आफ्टर कट चेंज नहीं होगा। हिंदी में लिख लेना अपने लैंग्वेज में कि स्प्रिंग की फोर्स चेंज होने के लिए, एक बार देखो यार, चलो रिपीट कर देते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये जस्ट आफ्टर कट चेंज नहीं होता है, अगर इसको नहीं काटा है तो, ठीक है, क्यों, क्योंकि जस्ट आफ्टर इसका अगर स्प्रिंग फोर्स चेंज होना है तो उसके लिए इसकी लेंथ में चेंज होना जरूरी है, ठीक है, और इसकी लेंथ में चेंज होना जरूरी है, और जस्ट आफ्टर कट इसका लेंथ चेंज नहीं होता है, इसीलिए स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं होता है। कट स्ट्रिंग, ये क्या लिख रहे हो बेटा, थोड़ा सही से तो लिख दो, कट स्ट्रिंग कट को रहा, क्या लिख रहे हो यार, मैं ये बोल रहा हूँ देखो यार मैंने किसको काटा, अगर स्प्रिंग को कट नहीं किया हमने, तब की बात कर रहा हूं मैं, स्प्रिंग को कट अगर नहीं अगर हमने स्प्रिंग को कट अगर नहीं करते हैं तो उस केस में जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो सडनली चेंज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज होनी पड़ेगी अगर इसका स्प्रिंग फोर्स चेंज होना है, और जस्ट आफ्टर कट सडनली जो है इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, क्लियर, ये बस एक लाइन का ध्यान रखना अपने को। अभी ये स्ट्रिंग वाली तो बताई ही नहीं मैंने, स्ट्रिंग वाली बात तो मैंने बताई नहीं, अभी रुक तो जाओ, पहले स्प्रिंग को ही तो काट रहा हूं मैं।
सर ये स्प्रिंग को काट नहीं रहा। अब एक बात देखो, दूसरी बात कि जिस स्ट्रिंग या जिस भी स्प्रिंग को आप कट करोगे उसका टेंशन उसी टाइम पे जीरो हो जाएगा। पहले एक कॉन्सेप्ट इसका रीजन के साथ समझ आ गया अपने को कि स्प्रिंग को अगर कट नहीं कर रहे तो उसका टेंशन सेम रहेगा। दूसरी चीज कि अगर स्ट्रिंग या स्प्रिंग जिसको भी काटोगे, स्ट्रिंग को काट दो ठीक है या स्प्रिंग को काट दो, जिसको भी काट दोगे उसका टेंशन जो होगा वो सडनली चेंज हो जाएगा, यानी टेंशन कितना जीरो के बराबर। जिस भी स्ट्रिंग को काटोगे या जिस भी स्प्रिंग को काटोगे उसका टेंशन उसी समय क्या होगा, जीरो के बराबर। ठीक है भाई, जिस समय ही कट कर दोगे उसी समय जीरो। तुम आंसर ही बताने लग रही। देखो इधर, स्प्रिंग को कट नहीं किया टेंशन सेम, स्ट्रिंग या स्प्रिंग को कट कर दोगे उसी समय उसका टेंशन जीरो होगा। और एक और बात कि स्ट्रिंग को अगर आप कट नहीं कर रहे हो, स्ट्रिंग को अगर हम कट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में टेंशन जो है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टेंशन में चेंज और नॉट, ठीक है भाई। यही तीन लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसी तीन लाइन से पूरे सवाल हो जाते हैं चाहे किसी भी तरह का सिस्टम हो। स्प्रिंग जिसको आप कट नहीं करोगे टेंशन सेम, स्ट्रिंग या स्प्रिंग जिसको भी कट करोगे उसका टेंशन उसी समय जीरो, और स्ट्रिंग को कट नहीं करते हो तो उसका टेंशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो अपना जो टेंशन है या अपना जो फोर्स है वो सडनली चेंज कर सकता है। स्ट्रिंग के केस में अपना जो टेंशन है वो सडनली चेंज कर सकता है, लेकिन स्प्रिंग वो काम नहीं कर पाता है। क्लियर? ये तीनों कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हुआ तो बोलो फटाफट ये सवाल करें। क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ? हाँ या ना? चलो यार अब देखते हैं। अब इसके बाद आपको ये सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि सबका पहले एफबीडी बना लो, जस्ट बिफोर कट एफबीडी बना लो एक बार, ठीक है। कब क्या कट हो रहा है बेटा वो आपको सवाल में दिया रहेगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। कब कौन सा कट हो रहा है, जो कट होगा स्ट्रिंग कट होगा या स्प्रिंग कट होगा वो आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा। हमें तो ये ध्यान रखना है कि कट होने के बाद का क्या कंडीशन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो देखो यार, सबसे पहले तो आप एफबीडी बना लो जस्ट बिफोर कट का केस। ये नीचे कितना, 20 20 न्यूटन, तो इसके ऊपर भी कितना लाएगा, 20 न्यूटन। हाँ या ना? स्प्रिंग फोर्स कितना, 20। इस वाले में भी स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर, 20, यहाँ की तरफ 30 और ये टेंशन 50 न्यूटन। क्या बोलते हो, यही आएगा एफबीडी? तो यही आएगा जस्ट आफ्टर कट स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगी। एक बात एक लाइन और सुनो, एक लाइन में सुनो पहले, जिसको भी काटोगे स्ट्रिंग को काटो या स्प्रिंग को कट करो टेंशन जीरो। क्लियर? स्ट्रिंग को काट दो या स्प्रिंग को काट दो टेंशन उसमें जीरो। स्प्रिंग को अगर कट नहीं कर रहे हो तो उसमें फोर्स चेंज नहीं होगा, स्ट्रिंग को कट नहीं कर रहे हो तो उसमें टेंशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब क्लियर हो गया? हाँ या ना? चलो ठीक है। अब यहां से देखो, अब सवाल समझ लो। ये जैसे मान लो मैंने कट किया यहाँ पे पहले स्ट्रिंग को, ठीक है, बताएंगे बेटा मे और मे नॉट वो अभी आएगा सवाल में, देखते हैं। ये एक लाइन बताया था ना कि टेंशन जो है वो अपना फोर्स सडनली चेंज कर सकता है, यही डिफरेंस होता है स्प्रिंग और स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स जो लगता है उसमें स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती है। स्ट्रिंग को अपना टेंशन अगर फोर्स आता है तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ को नहीं बोलते कि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होती है। तो यार अब स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही, अगर उसको कट नहीं करोगे तो भी चेंज नहीं हो रही, तो उस केस में वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्ट्रिंग को तो जितना टेंशन देना चाहो उतना दे सकते हो, वो तो जरूरत के हिसाब से लगाता है, तो इसीलिए वो अपनी वैल्यू एडजस्ट कर सकता है जस्ट आफ्टर कट। लेकिन स्प्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता। देखो यार, अब यहाँ से मान लो हमने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, स्ट्रिंग को कट किया तो अब एक बार देखो, ये वाला टेंशन तो जीरो। हाँ है ना? ये टेंशन जीरो। अब एक बार देखो, यहाँ नीचे किसके बराबर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स हमें पता है सडनली चेंज नहीं होगा, यानी ये नीचे 20 पहले लग रहा था अभी भी कितना 20, और इसके ऊपर अभी भी कितना 20 न्यूटन और नीचे 30 न्यूटन, यही बनेगा जस्ट आफ्टर कट एफबीडी, यही बनेगा 30 20 20, ये नीचे 20। अब एक बार देख लो, लो भाई ए इक्वल्स टू किसके बराबर, 50/3, ये अगर फोर्स अपॉन मास। हाँ सही है, 50/3, और इसका एक्सेलरेशन जीरो। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट?
सर 30 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन 3 kg, विल 30 न्यूटन एक्ट ऑन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन 20 kg एंड ऑफ द स्प्रिंग। मुझे ऐसा लग रहा है क्यों पढ़ाया इन्होंने। यहाँ देखो यार एक बात बताओ, ये इसके ऊपर 30 लग रहा है, इसके ऊपर 30 थोड़ी लगा देगा ये। अगर 3 kg का ब्लॉक है, mg इसके ऊपर लगाएगा, इसके ऊपर थोड़ी लगाएगा। mg जो लगेगा 30 न्यूटन, वो इस अर्थ किसके ऊपर लगाएगा, इसके ऊपर लगाएगा। ये थोड़ी बोलेगा कि 2 kg तुम भी अटैच हो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर भी ये 30 लगा दो। mg जो लगेगा वो इस 3 kg पे लगेगा, 2 kg पे नहीं लगेगा। चलो यार ये वाला क्लियर हुआ सभी को, हाँ या नहीं ये बताओ। स्प्रिंग को कट करने वाला केस क्या क्लियर हो गया। चलो यार अगर मान लो हमने स्प्रिंग को कट कर दिया, चलो यार इसी सवाल में देख लेते हैं। स्प्रिंग को अगर कट कर दिया, ठीक है भाई, स्प्रिंग को कट करोगे ये फोर्स सडनली चेंज होगा। तो जस्ट आफ्टर कट एक काम करते हैं, एबीडी बनाते हैं, नीचे की तरफ 20 न्यूटन, ये वाला स्प्रिंग फोर्स 0, ठीक है भाई। ये अगर एक बार देखो, ये नीचे लगेगा 30 न्यूटन और टेंशन ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर, तो 20/2 यानी 10 m/s² यानी फ्रीली फॉल होगा, हाँ है ना। 20/2 10 m/s² फ्रीली फॉल होगा, काट दो सीधे नीचे गिरेगा, हाँ है ना। टेंशन की वैल्यू बताओ कितनी, टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टेंशन और एक्सेलरेशन 3 kg का, ये बताओ कितना होना चाहिए अपने हिसाब से, एक बार सोच के बताओ। टेंशन और इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, हाँ टेंशन कितना 30 हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना 0 के बराबर, ठीक है भाई। अब पहले एक बार देखो, सडनली टेंशन कितना था 50, चेंज करके कितना हो गया 30 न्यूटन। ये अपने पास ये एलोंगेटेड तो था नहीं कि ये उसको ऊपर खींचेगा, वो बोलेगा कि इसको जरूरत है 30 की, मैं अपनी वैल्यू 30 कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलो यार अगला सवाल अब करो अब आप लोग, चलो फटाफट एक सवाल करो यहाँ से। ये मान लो स्प्रिंग, ये एक और स्प्रिंग, ये मान लो 4 kg, ये मान लो 3 kg, फटाफट निकालो। अगर ये मान लो S1, इसको मान लो S2, पहले सवाल में S1 कट किया, दूसरे सवाल में S2 कट किया। अब एक बार ध्यान रखना, जब S2 कट किया तो S1 वैसे ही है। 50/3 बताया था बेटा, 50/3 तब बताया था जब स्ट्रिंग कट किया था, 50/3 तब बताया था जब स्प्रिंग कट किया था, वो 0 तब बता रहा हूं मैं जब स्प्रिंग कट किया हूं। क्लियर हुआ ये चीज, फटाफट पहले S1 कट किया, पहले दोनों पार्ट सॉल्व कर लो, उसके बाद जो भी आंसर आए, जितने लोग आ जाए बस यस का मैसेज दे दो। पहले में S1 को कट किया, दूसरे में S2 को कट किया, पहले में S1 को कट किया, दूसरे में S2 को कट किया, फटाफट करो। एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जी। चलो अब एक बार देखो यार, पहला सवाल अपने पास देखते हैं, जब S1 को कट किया, पहले तो यार एक काम करते हैं, जस्ट बिफोर कट FBD बना लो भाई, नीचे की तरफ 30, ऊपर की तरफ 30 न्यूटन, ठीक है भाई। ये इस पे भी लगाएगा 30 न्यूटन, नीचे लगेगा 40 न्यूटन, ऊपर की तरफ 70, क्या बोलते हो, कितने लोगों का ये वाला डायग्राम सही था, कितने लोगों का सही था, फटाफट बोलो हाँ या ना। चलो यार अब एक काम करते हैं, पहले किसको कट कर दिया, S1 को, किसको कट कर दिया, S1 को, S1 को कट किया, यानी ये 4 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर कौन सा फोर्स, नीचे 70 न्यूटन, और ये 30, और ऊपर की तरफ भी भाई 30 न्यूटन, यही लगेगा, हाँ कि ना। ये वाला स्प्रिंग फोर्स 0 के बराबर, इसका एक्सेलरेशन 70/4 m/s² और इसका एक्सेलरेशन 0, क्लियर। कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था, सर S2 कट, अच्छा आंसर दे, चलो फटाफट देखो। अब उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने किसको कट कर दिया, S2 को कट कर दिया, चलो भाई दूसरे पार्ट में S2 को कट कर दिया। S2 को कट करोगे यानी FBD अगर बनाए, तो नीचे ये 3 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर नीचे लगेगा 30 न्यूटन, यहाँ पे नीचे लगेगा 40 और ऊपर लगेगा 70 न्यूटन, यानी इस वाले का 70 - 40 30/4 और इसका ये ऊपर के डायरेक्शन में और इसका 10 m/s². कितने लोगों का ये वाला पार्ट भी सही है, फटाफट बोलो कितने लोगों का ये वाला पार्ट भी सही है। चलो एक और सवाल,
ये मान लो 2 kg, ये 4, और इसको मान लो 5 kg, ये मान लो इसको पहले पार्ट में इसको क्या नाम दे दूँ, इसको S1, इसको S2, इसको S3, तीनों सवाल। पहले में S1 को काट कटक कट किया मैंने, दूसरे में S2 को और तीसरे में S3 को। एक काम करो, यहां पे कर लो कौन सा, यहां पे S2 वाला पहले कट करके देखो, S2 वाला करो, बाकी दोनों आसान है। S2 को कट करके सॉल्व कर लो, बाकी दोनों आसान है। S2 को कट करके सॉल्व करो, कितने लोगों का S2 वाला आंसर आ गया? S2 कट करने पे कितने लोगों का आंसर आ गया, फटाफट बोलो। चलो देखो यार, बी पार्ट देखते हैं S2 को कट करने पे। चलो यार, S2 को पहले, उससे पहले तो यार इक्विलिब्रियम वाला बनाना है अपने को। जब भी रहेगा आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम पे दिया रहेगा, तो ये लो 50 न्यूटन, ये यहाँ भी टेंशन कितना 50 न्यूटन, ठीक है, इसके ऊपर 50, यहाँ नीचे 40, ठीक है भाई, ऊपर की तरफ कितना लगेगा 90 न्यूटन, बिल्कुल ये रेस्ट पे है। यहाँ पे 90 और यहाँ पे 120 न्यूटन भी लगेगा, और यहाँ पे 110 न्यूटन, यही होगा। हमने माना इस स्प्रिंग को कट कर दिया, जैसे ही आप इस स्प्रिंग को कट करोगे, ठीक है भाई, ये वाला फोर्स 0। ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें तो ये लो भाई, ये कितना इस पे लगेगा 20, और ऊपर टेंशन हो जाएगा कितना 20 के बराबर। सडनली टेंशन चेंज हो सकता है, ऊपर एक्सेलरेट टेंशन अपने आप कभी नहीं कराएगा, जब तक आप उसको नहीं खींचोगे तब तक वो एक्सेलरेट नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अगर एक सिस्टम ऐसा हैंग कर रहा है तो अपने आप ही इसको एक्सेलरेट करा दे, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि टेंशन उतना ही लगेगा जितना इसको जरूरत है, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, ये टेंशन टी कितना 20 न्यूटन, यानी इसका एक्सेलरेशन 0। अब एक बात देखो, ये 4 kg और ये 5 kg, ठीक है, अब जरा यहाँ पे फील आ जाएगा कि टेंशन, ये इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। चलो क्या मैं ये दोनों यहां से अगर देखे तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या मास इनटू एक्सेलरेशन होता है क्या? हाँ या नहीं? एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बॉडी के ऊपर ये टेंशन क्या इंटरनल फोर्स, ये टेंशन क्या इंटरनल फोर्स, तो ये टेंशन अगर इंटरनल फोर्स हो गया तो इस बॉडी के ऊपर, इस पूरे सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा 90 न्यूटन। हाँ या ना? इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना 90 न्यूटन, यानी एक्सेलरेशन किसके बराबर 90/9, यानी फ्री फॉल होगा 10 m/s² और टेंशन की वैल्यू 0। क्या ये समझ आया, क्या ये समझ आया? पहले एक बात देखो, जरा ऐसे सोचो, मैंने क्या बोला था, टेंशन की वैल्यू चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। टेंशन जो है वो अपना फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकता है, ध्यान से सुनो एक बार। फर्स्ट में ये 20 क्यों नहीं आएगा भाई, तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? क्या टेंशन अपने आप उसको ऊपर, एक बात बताओ, अगर तुमने स्प्रिंग को ऐसे अगर खींच रखा है, ऐसे अगर मान लो एक मास हैंग कर रखा है, तो ये स्ट्रिंग एलोंगेट थोड़ी होती है, जो अपने पास जैसे ही छोड़ोगे ये अपने पास ऊपर खींच लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। स्ट्रिंग से बांध लिया, जितना इसका मास है, जितना इसको टेंशन चाहिए उतना लगा सकता है, तब तक जब तक ये ब्रेक होने के लायक ना हो जाए। अकेले ही एक्सेलरेशन बता रहा हूं मैं, हाँ अलग अलग एक्सेलरेशन ही बता रहा हूँ, 4 और 5 का। मैं एक बात देखू, अगर तुम्हारा ये कहना है कि मान लो सर टेंशन मान लेते हैं, चलो भाई टेंशन टी मान लो नीचे की तरफ 50, ठीक है, टेंशन टी ऊपर नीचे 50, यहाँ टेंशन टी लगेगा और यहाँ भी 40, यही लगेगा, हाँ या ना? ये बताओ, पूरा सिस्टम दोनों एक साथ जाएगा इसे, ये टेंशन टी नीचे, 40 नीचे, 50 नीचे, टेंशन टी ऊपर, ये तो इंटरनल फोर्स कैंसल आउट होंगे। जो फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए आता है वो बेसिकली है क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये चीज तो पता होगा एटलीस्ट। एक बात बताओ, ये रिलेशन क्या आप ऐसे ही बस याद मत रखना, एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे मत याद रखना, ये एक्चुअल में ये होता है
कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। क्या ये चीज क्लियर हुआ? अब एक बात सोचो कि अगर इस बॉडी को, इन दोनों बॉडी को मैंने एक सिस्टम लिया, तो क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर? 90 न्यूटन, हाँ या ना? और 90 हुआ तो इस पूरे का मास, सॉरी एक्सेलरेशन कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रीली फॉल होगा, और उस केस में टेंशन 0 के बराबर होगा। एक बात देखो सर, इनके बीच में अगर स्प्रिंग की जगह स्प्रिंग होता तो भी, स्प्रिंग होता तो भाई टेंशन चेंज ही नहीं होता उस केस में। अगर इस केस में स्प्रिंग होता तो ये टेंशन चेंज ही नहीं होता, तो ये नीचे वाला रेस्ट पे रहता। ऐसा सवाल करा चुके हो, मैं जस्ट अभी 2 मिनट पहले कराया। एक बात बताओ, ऊपर स्प्रिंग था, नीचे ऐसा स्प्रिंग लिया था अपन ने, इसको काटा था अपन ने, यही केस तो है। अगर तुम जो बोल रहे हो कि इसकी जगह स्प्रिंग होता, तो मैंने क्या बोला कि स्प्रिंग होता तो उस केस में ये क्या होगा कि इसके ऊपर इस यहां से देखते तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाता, ये सडनली चेंज होता ही नहीं, सडनली चेंज होता ही नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन अलग, इसका एक्सेलरेशन अलग। क्या ये क्लियर हो गया अब? हाँ या ना ये बताओ। फर्स्ट बॉक्स में एक्सेलरेशन 1 मीटर नहीं आना चाहिए, क्यों भाई? 1 मीटर 20 माइनस 20 जीरो होगा ना। अरे बात बता, फर्स्ट बॉक्स में 20 माइनस 20 किसके बराबर होगा भाई? 0 के बराबर। कहाँ कंफ्यूज होके बैठे हुए हो? चलो क्लियर हो गया सभी को। यहाँ से देखो भाई, 3 लाइन का कॉन्सेप्ट था, ये दोनों पार्ट आसान है, अब ये सॉल्व कर लो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लास्ट देख लो, इस पे जेई मेंस वगैरह में भी एक दो बार सवाल आया हुआ है, बुकलेट में देखना है अभी, ठीक है भाई? चलो एक बार देखो इधर की तरफ, और ये नीट वगैरह में भी आते रहता है बेटा, ऐसा मत समझना कि नहीं आता। चलो ये स्प्रिंग है, मान लो इसकी लेंथ एल ले ली और इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, ठीक है? मैंने क्या किया, इसी स्प्रिंग को 2 लेंथ में कट कर दिया, एक L1 में और दूसरा L2 में, L1 और L2 लेंथ में कट कर दिया मैंने, ठीक है भाई? अब मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मानता हूँ और इसका K2, ये K1 K2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब एक बात देखो, क्या इन दोनों को ज्वाइन करने पे मुझे ये वाली स्प्रिंग मिलेगी? यानी सीरीज में है, यानी क्या 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 ऐसा लिखना चाहिए, हाँ ना? इन दोनों को ज्वाइन करने पे ये मिलेगा अपने को, ठीक है भाई? चलो और एक और चीज देखो, के बोला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, यानी के इक्वल्स टू क्या कोई भी एक ऐसा कांस्टेंट लिख सकते हैं? C/L, सी जहां हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हम ये क्या लिखेंगे, के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C/L जो कि टोटल लेंथ, K1 इक्वल्स टू C/L1 और K2 इक्वल्स टू किसके बराबर? C/L2 के बराबर, क्लियर? हाँ है ना? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, K1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, K1 इक्वल्स टू C, C की वैल्यू K इक्विवेलेंट के टर्म में, और K इक्विवेलेंट यहाँ हमारा K है। इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो K इक्विवेलेंट आएगा वो K दिया हुआ आपने, ठीक है? तो यहां से क्या लिखूंगा, K1 इक्वल्स टू C की जगह पे क्या लिखूंगा, K इक्विवेलेंट इंटू L अपॉन L1, K2 की जगह पे क्या लिखूंगा, K इक्विवेलेंट इंटू L अपॉन L2 के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ है ना? क्या ये क्लियर हो गया? कभी कभी रिपीट कर दे, एक बार देखो, मैं बोल रहा हूँ इन दो, इसको कट किया हमने ये 2 पार्ट में, एक K1 एक K2, लेंथ L1 L2, ठीक है? दो तरीके से सवाल आ सकता है, एक तो रेशियो दे दे, एक लेंथ दे दे, ठीक है? दोनों बताते हैं, L1 L2 लेंथ दे दिया अपन, 1/ इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ये मिलेगा, यहाँ से ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ये लिख सकते हैं के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, के इक्वल्स टू C/L, यहाँ से ये तीनों लिखा, सी की जगह पे ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दी मैंने, ठीक है भाई? अब एक बात देखो, अगर मान लो ये तो हो गया L1 L2 का रेशियो, ठीक है? L1 लेंथ इसकी, L2 मान लो ये 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये मान लो 6 हो गई और ये मान लो 8 हो गई, ठीक है? तो ये 6:8 यानी ऐसे मान लो 3:4, 6:8 यानी कितना रेशियो हो गया, 3:4। कभी कभी रेशियो के टर्म्स में दे देंगे कि 2:3 के रेशियो में किया, ठीक है? एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, 14 होगा ना फिर। तो अब एक बार देखो, यहाँ से हमारा उस समय फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मान लो A:B के रेशियो में डिवाइड किया, तो K इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट इंटू A+B अपॉन कितना, B हो जाएगा, ठीक है? या A हो जाएगा सॉरी, और ये कितना K2 की वैल्यू, तो K इक्विवेलेंट इंटू कितना, A+B अपॉन कितना हो जाएगा, तो B के बराबर, यहाँ पे A आ जाएगा और यहाँ पे कितना, B। क्या ये क्लियर हुआ? एक बार ये रेशियो वाला देख लेते हैं यार, रेशियो वाला अगर देखे हम लोग,
मान लो ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 2 और 4 में ब्रेक किया अपन ने, ठीक है। 2 और 4 में तो के वन की वैल्यू किसके बराबर, तो के इक्विवेलेंट इंटू 6 अपॉन कितना 2 आएगा उसके हिसाब से। और के टू की वैल्यू किसके बराबर, तो के इक्विवेलेंट इंटू 4 बाई कितना, के इंटू 6 अपॉन कितना आएगा 4, ठीक है। रेशियो देखे तो कितना आ रहा है, 1:2, कौन सा आएगा एक बार देखना। 1:2 अगर आ रहा है तो के इक्विवेलेंट K1 = K इक्विवेलेंट इंटू 6 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1+2, 3/1, सही है भाई, वही आएगा। अगर A:B के रेशियो में डिवाइड किया, कट किया, तो K इक्विवेलेंट इंटू A+B/A, और B के दूसरे वाले का K इक्विवेलेंट इंटू कितना, तो किसके बराबर आएगा A+B/B, ठीक है। चलो क्लियर हो गया अब यहाँ तक।